शंकर प्रदोष पड़ती है, बहुत ध्यान से सुनना महाराज, सोमवार की प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान कैलाश पर निवास करते हैं, मंगलवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव काशी में निवास करते हैं, बुधवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव रजत भवन में निवास करते हैं, गुरुवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव गंगा के स्थल पर निवास करते हैं, शुक्रवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव नीलकंठ पर विराजमान होते हैं, शनिवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव शमी के वृक्ष के नीचे रहते हैं, और रविवार की जब प्रदोष पड़ती है तो शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करते हैं। महाराज ये एकादशी शंकर से कह रही है कि आपका स्थान ये नहीं कि आप कैलाश पर मिले, उस बार को उस तिथि के दिन उस अनुकूल, हमारे यहां कहते हैं सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है, मंगलवार की प्रदोष रोग से मुक्ति देती है, बुधवार की प्रदोष कामना की पूर्ति करती है, गुरुवार की प्रदोष शत्रुओं का नाश करती है, शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति देती है, शनिवार की प्रदोष संतान का सुख देती है, और रविवार की प्रदोष जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो अचूक फल की प्राप्ति रविवार की प्रदोष करा देती है। महाराज ऐसी प्रदोषों का नियम वर्णन किया चाहिए, भगवान कहते ठीक है तू थोड़ी देर खड़ी हो, एकादशी सम्मुख खड़ी हुई, पार्वती जी ने जिस अंगुष्ठ का जल पीने के लिए लिया था हाथ में, बस पीने ही वाली थी, शंकर भगवान ने वही हाथ में जल लेकर एकादशी के हाथ में उसको देकर कहा ले ये मेरे द्वारा निर्मित एक व्रत है जिसे त्रयोदशी के दिन तूने मांगा है, मैं तुझे देता हूँ, आज इस व्रत का फल मैं तुझे प्रदान करता हूँ, अब तू जिस जीवात्मा को लेकर जाएगी उसका पाप प्रबल नहीं होगा, किसी स्त्री पुरुष बालक बुजुर्ग जो भी होगा जिसने प्रदोष का व्रत करा होगा वो जीवात्मा को तू किसी फल की कामना से नहीं स्वतः ही लेकर चली जाएगी, उसमें कोई कामना नहीं है, बन सके जीवन में 11 प्रदोष या 26 प्रदोष करने के बाद आप उसका उद्यापन कर विराम भी दे सकते, पर जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत मौका मिले जिस कामना से जिस दिन का भाव आपके मन में आए कि मुझे रोग से मुक्ति पाना है तो ये प्रदोष मुझे करना है, मई पर रोग मुक्ति के लिए हम मंगल जो भी आपके मन में आ रहा है, संतान प्राप्ति के लिए शनि चली प्रदोष, प्रदोष पड़ जाए कौन से दिन, रविवार की प्रदोष के दिन ये प्रयोग अवश्य कर देखिएगा, ज्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना, बाबा उस स्वयं कृपा करेगा। अपने मंदिर में अर्थात अपने घर के पास कोई मंदिर हो, शिवालय हो, देवालय हो, जहां शंकर भगवान विराजमान हो, शिवलिंग हो, ऐसी जगह पर अवश्य करें, हमें कहीं दूर जाकर यह प्रयोग नहीं करना है, अपने अपने शिवालय, अपने जो घर के आसपास में शिवालय हो वह। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह, अब उसको अशोक सुंदरी की जगह पर भी चढ़ाने का तरीका क्या है, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल बहता है, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान, ये जो भाग है षडानंद कार्तिकेय गणेश जी और कार्तिकेय जी का, जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग मतलब भगवान शंकर का स्वरूप, ऊपर से जो बूंद बूंद पानी इस पर गिरता है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया विषहरा शामली बारी दौतली और देव, शिव जी की 5 लड़कियां, ऊपर एक लड़की शंकर भगवान की 6 नंबर की अशोक सुंदरी उनके चरणारविंद के पास, उनके गणेश षडानंद कार्तिकेय के मध्य में। जब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उस बेलपत्र को चढ़ाते समय आपकी जो बेलपत्र की डंडी है वो बेलपत्र, रविवार प्रदोष के दिन का ये उपाय मरक, ये बेलपत्र की जो डंडी है इस डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए, ये जो डंडी है इसका भाग अशोक सुंदरी पर जब चढ़ाएंगे तो शिवलिंग की ओर इसका भाग होगा मरक। दूसरी बेलपत्र को जब हम समर्पित करेंगे तो जलाधारी का जया विषहरा शामरीबारी दौतली देव, मान लो
जलाधारी ऊपर नहीं है शंकर जी के, तो उसका स्मरण कर पांचों कन्याओं का नाम लेकर जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, इनका स्मरण कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र कहाँ रखना है? आप अगर यहां बैठे हो तो आपके विपरीत में डंडी का मुख होना चाहिए। ये बेलपत्र की जो डंडी है इसका मुख आपके विपरीत में हो। आप यहां बैठे हो तो डंडी उधर होगी, आप इधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आप उधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आपके ठीक विपरीत की ओर डंडी का मुख हो। ये दो जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद तृतीय बेलपत्र शिवलिंग की जो जलाधारी है जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है वहां स्पर्श कराकर, केवल छुआना है, स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही कोई कंकर हो, कोई शंकर हो या कोई मिट्टी का ढेला हो, नी हो तो वहीं मिट्टी को थोड़ी सी ऊंची कर एक बेलपत्र बैठकर इस बेलपत्री की डंडी जड़ की ओर, मतलब जो वृक्ष होता है उस ओर इस डंडी का मुख होना चाहिए। ये तीन रविवार के प्रदोष के दिन शंकर भगवान पर चढ़ाई गई बेलपत्र से हमारा गया हुआ धन भी पुनः आने का रहता है और हमारा जो व्यापार बार 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 बंद हो रहा है शिव की कृपा से एक बार चालू तो चालू हो ही जाता है।